Hi friends, namaste. Welcome to my channel. Kids want pizza every day. But हम रोज तो outside से pizza order कर नहीं सकते because it's very unhealthy. So today I have a solution for our problems. क्या आपको पता है कि multigrain आटे and lots of veggies के साथ हम बहुत healthy pizza घर पे बना सकते हैं. आप सबको पता होगा कि whole wheat crust बहुत tricky होती है. You don't get that crispy result. So पूरा process ध्यान से देखें and you will be able to achieve a very crispy result and a healthy pizza and उसके बाद आप कभी भी बाहर से order नहीं करेंगे. And please subscribe to my channel and hit the bell button so that मैं जब भी upload करूं आपको notification आ जाए. I would love you to be part of my YouTube family. तो चलिए let's start our pizza. तो सबसे पहले हम इसका डो प्रिपेयर करेंगे. उसके लिए जिसमें आटा गूंदना है वो बोल लेंगे. फिर मैं ऐड करूंगी वार्म वाटर 1 कप. वाटर बहुत ज़्यादा हॉट नहीं लेना है, नहीं तो ईस्ट ख़राब हो जाएगी. फिर मैं ऐड करूंगी इसमें हनी, और हनी ऐड करने के बाद इसमें ड्राई ईस्ट ऐड करूंगी और उसे अच्छी तरह स्टर करके 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी. उसके बाद हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैंने लिया है मल्टीग्रेन आटा, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट एंड फिर इटालियन सीजनिंग, गार्लिक पाउडर एंड चिली फ्लेक्स. तो चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर और इटालियन सीजनिंग ये सब ऑप्शनल है, पर मुझे अच्छी लगती है अपने पिज़्ज़ा में इसकी फ्लेवर, इसलिए मैं ऐड करती हूँ. नहीं तो आप सिर्फ आटे में सॉल्ट देकर भी कर सकते हैं यूज़, और इसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी. तो ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए. चलिए देखते हैं. 10 मिनट्स के बाद हमारी ईस्ट जो है वो राइज हो चुकी है. इसके अंदर मैं अब ऐड करूँगी ऑयल. और अब हम आटा गूंदना शुरू करेंगे. तो आप चाहें तो इसे मिक्सर में कर सकते हैं या हाथों से भी गूंद सकते हैं. मैं मिक्सर यूज़ कर रही हूँ आज. और इसमें अब हम धीरे धीरे जो हमने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी किए थे वो ऐड करने शुरू करूँगी. तो मैं 1/4 कप जो है वो ऐड कर रही हूँ एट ए टाइम. धीरे धीरे उसे ऐड करते जाएंगे और हम आटा बनाते जाएंगे. तो सारा आटा जो है मैंने ख़त्म कर लिया है. और उसके बाद जब सारा आटा ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद मैं इसे आराम से 5 से 6 मिनट तक नीड करूँगी. इसको हमने अपने हाथों से या मिक्सर से 5 to 6 मिनट्स गूंदते रहना है, जब तक वो सॉफ़्ट बॉल नहीं बन जाती. देखिए कैसे मेरा आटा जो है रेडी हो गया है 5 से 6 मिनट करने के बाद. उसके बाद मैंने एक ऑयल्ड बाउल लिया है, जिसमें मैंने ऑयल लगाया है, और फिर मैं उसमें अपने आटे को रखूँगी, जिसे मैं प्लास्टिक रैप से कवर करूँगी. और ये बाउल को मैं एक वार्म प्लेस पे रखूँगी. आप ओवन में रख सकते हैं इसे या माइक्रोवेव में रख सकते हैं, जहाँ पर भी रखना है वहाँ. तो इस बाउल को मैं 3 to 4 आवर्स ओवन में रखूँगी, जब तक हमारा आटा जो है राइज हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम पिज़्ज़ा बनाएंगे. तो चलिए 4 घंटे हो गए हैं, अपना पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं. उसके लिए सबसे पहले आप अपने ओवन को 450 डिग्रीज़ पे प्री हीट कर लीजिए. तो जब तक हमारा ओवन प्री हीट हो रहा है, अपनी वेजीज़ को प्रेप कर लेते हैं. मैंने यहाँ पे लिया है जुकीनी, कलर्ड बेल पेपर्स, कॉर्न, ब्रोकली, अनियन. आपकी जो भी फेवरेट वेजीज़ हों आप वो ले सकते हैं. एंड मैंने यहाँ पे वेजीज़ को चॉप किया है. आप चाहें तो उन्हें थिनली स्लाइस भी कर सकते हैं. तो चलिए अपना डो देखते हैं. तो 4 आवर्स के बाद मेरा डो जो है वो अच्छी तरह राइज हो गया है. मैं इसे नीट करूँगी दोबारा से, इसको थोड़ा सा गूँदूँगी 1 से 2 मिनट के लिए. तो चलिए पिज़्ज़ा शुरू करते हैं. मैंने यहाँ पे 16 इंच की प्लेट ली है, तो मेरा एक थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनेगा.
अगर आपके पास 12 इंच की प्लेट है तो आपको 2 थिन क्रस्ट पिज़्ज़ास बन जाएंगे इतने डो से, लेकिन अगर आपके पास 8 या 10 इंच वाली प्लेट है तो आप उससे आराम से 3 पिज़्ज़ास बना सकते हैं थिन क्रस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले मैंने अपनी पिज़्ज़ा प्लेट पर सूजी स्प्रिंकल करी है। आप सूजी कर सकते हैं या कॉर्नमील यानी कि मक्की का आटा स्प्रिंकल कर सकते हैं, वो इसलिए कि हमारा पिज़्ज़ा जो है प्लेट से चिपके नहीं। अब हमने अपने आटे को एक बॉल की शेप में फॉर्म किया है और उसके बाद मैं अपने पिज़्ज़ा को फैलाना शुरू करूँगी। ये आप बेलने से भी कर सकते हैं, बट मुझे हाथ से फैलाना थोड़ा ईजी लगता है इसलिए मैं हाथ से फैला रही हूँ। तो धीरे 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 हमें इसी तरह अपने जो आटे को है वो प्लेट पर फैलाते रहना है जब तक के वो पूरा 16 इंच का पिज़्ज़ा ना बन जाए। तो देखिए हमारी क्रस्ट जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इस क्रस्ट को अपने अवन में 450 डिग्रीज पे, जो हमने प्री हीट किया था, उस पे 5 मिनट के लिए बेक करेंगे। 5 मिनट के बाद अवन में से अपनी क्रस्ट को निकाल के उसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। आप होममेड भी ले सकते हैं और स्टोर बॉट भी, मैंने स्टोर बॉट ली है। पिज़्ज़ा सॉस सब एजीज पे और हर जगह फैला दीजिए और उसके बाद मैं उस पे डालूंगी चीज़। जो भी चीज़ लेना चाहें ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ लिया है। उसके बाद मैं उसके ऊपर जो हमारी टॉपिंग्स हमने प्रेप करी थी यानी कि वेजीज, वो सब डाल दूंगी और मैं भर के वेजीज डालती हूँ। बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद होता है और इसी कारण हम बच्चों को ढेर सारी वेजीज खिला सकते हैं। तो ढेर सारी वेजीज डालने के बाद मेरा पिज़्ज़ा जो है रेडी है अवन में जाने के लिए। इसे मैं अवन में 12 से 15 मिनट के लिए 450 डिग्रीज पे बेक करूँगी। तो चलिए चेक करते हैं आफ्टर 15 मिनट्स। देखिए पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है, उसकी जो क्रस्ट है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, साइड से एकदम क्रिस्पी हो चुकी है। तो इसको मैं अवन से बाहर निकाल लूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने दूँगी और उसके बाद मैं इसे स्लाइस करके सर्व करूँगी। तो ये देखा आपने कितना हेल्दी पिज़्ज़ा है, आटे, मल्टीग्रेन आटे से और सब्जियों से बना हुआ। ऐसा पिज़्ज़ा तो अगर बच्चे रोज़ भी खा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।